दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल निवेश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नारियल के पौधे में फल आते हैं फिर भी गिर जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इस पौधे में कई छोटे छोटे फल एवं फूल आए थे जो कि गिर रहे हैं। बड़े बड़े साइज का नारियल भी गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े नारियल भी गिर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नारियल के पौधे में कैसे नारियल ला सकते हैं, फूल भी ला सकते हैं। तो मेरे वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो पहले इस पौधे को साफ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे इस पौधे को साफ करेंगे। देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे जो फूल आए थे तो वैसे ही फूल आए थे, डाली से सूख के फूल नीचे गिर गए हैं। ये देखिए कितने कितने फूल आए थे जो भी गिर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे नारियल थे वो भी सड़ रहे हैं। हाँ, तो नारियल के पौधे को साफ कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं अपने खाद को मिला देता हूँ। मैंने लिया है 3 किलो डीएपी। ये दाना फर में है, आप दाना फर में लीजिएगा। 3 किलो डीएपी ले लिया है और ये 3 किलो एसएसपी है, एसएसपी पाउडर फल में लीजिएगा। और यहाँ पर 1 किलो यूरिया है, मैं यूरिया आधा किलो ही दे रहा हूँ। और आज का हमारा ये मुख्य खाद है कोकोनट मिक्सचर, जिसके प्रयोग से आपके पौधे में भरमार फूल आ सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा, जिससे आप मेरे पास से यहाँ कोकोनट मिक्सचर ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले इसमें डाल देता हूँ। ये आधा किलो का पैकेट आता है, आप ये दो एक पौधे में दो बार यूज़ कर सकते हैं। इसको पूरा डाल दे रहा हूँ, मैं इसको पूरा ही डाल रहा हूँ क्योंकि पौधे में बहुत एज हो चुका है। तो इसको डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है, ऐसे ही इस खाद को मिलाना पड़ेगा। देख सकते हैं यह खाद पूरा मिल चुका है एक साथ। तो आप लोग देख सकते हैं पौधे में कितना सारा कचरा निकला है, जिसे मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। तो नारियल के पौधे को साफ कर रहे हैं, तो साफ करते करते मैं पौधे के चारों साइड से एक ड्रेन बना लेता हूँ जिसमें खाद डालना है। मैं ड्रेन से जो मिट्टी है उसको हटा लेता हूँ पहले। तो मैंने मिट्टी को हटा लिया है, अब इसमें डालना है हम लोगों को खाद। जो मेरा मिक्सचर के ऊपर खाद था उसको पूरे ड्रेन में भर देना है। मैं छोटा सा ही ड्रेन किया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पूरा गोल करके ड्रेन कर लेना जिससे पूरा पौधे में खाद पहुंच सके। मैं थोड़ा सा ही बना कर दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो खाद देना हो जाएगा, अब इसे मिट्टी से ढक देना है।
एक खाद देने के बाद यहाँ पर 6 महीने में घास नहीं उगने देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर घास उग जाएगा तो खाद का जो क्षमता है वो पौधा घास ले लेगा। तो मिट्टी से ढक देने के बाद तो इसमें करीबन रोज 1-2 बाल्टी पानी डालना है। हाँ, तो ऐसे ही पौधे में खाद डालिए और पौधे में फल फूल लाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।